आगे बढ़ते हैं। बिना स्टेमिना के बहुत देर तक ना वर्कआउट कर पाना संभव होता है, ना स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी कम होती। कम होने से शरीर में थकान भी तेजी से लगती है। आज हम जिम में कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपके स्ट्रेंथ के साथ ही आपके स्टेमिना को बढ़ाने में सहायक होगी। नमस्कार, मेरा नाम इंदरजीत है। आप देख रहे हैं MH1 न्यूज़ चैनल का वेकअप इंडिया प्रोग्राम। तो आज हम आपको वर्कआउट बताने जा रहे हैं स्ट्रेंथ और स्टैमिना के लिए। तो हम अपना फर्स्ट वर्कआउट कर रहे हैं टायर फ्लिप। स्टार्ट करते हैं। पॉज, रुकना नहीं है। तो हमारा सेकेंड वर्कआउट है फार्मर वॉक। स्टार्ट। फास्ट। तो हमारा थर्ड वर्कआउट है हैमर। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए। स्टार्ट। फास्ट। फास्ट। तो अब हम अपना फिफ्थ वर्कआउट कर रहे हैं बार डिप्स। तो हम करते हैं स्टार्ट। तीन सेट होंगे इसके। अगेन फेलियर तक जाना है। पूरा नीचे, ऊपर स्ट्रेच स्ट्रेच, सामने देखना एकदम, चेस्ट आउट। इसके साथ ही हम करेंगे पुशअप्स टिल फेलियर। इसमें काउंटिंग नहीं रहेगी, बस आपको अपना मसल फेल करना है। अगेन फिर बार डिप्स आ जाएंगे। इसमें आपका ट्राइसेप भी इंक्लूड होगा, चेस्ट भी। अगेन हम करेंगे पुशअप। बहुत अच्छा वर्कआउट है आपके स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। तो हमारा लास्ट वर्कआउट है ये क्रॉसफिट रोप। इसे आपको फेलियर तक करना है। तो आज का वर्कआउट होता है हमारा ख़त्म, जिसमें हमने आपको दिखाया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना कैसे आप बिल्ड कर सकते हो। जो भी आपको वर्कआउट दिखाए गए हैं बहुत अच्छे वर्कआउट है। इससे आपका डेफिनेटली स्टेमिना भी बिल्ड होगा, स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी। आप सभी इसे ट्राई कर सकते हो। तो मिलेंगे अब हम कल नए वर्कआउट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।